हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजन हियर। वेलकम टू ग्रेट माय क्लास वे ऑफ लर्निंग। टुडे वी आल्सो डिस्कस चैप्टर ऑफ डिप्रिसिएशन। रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल स्टूडेंट्स क्लास 12। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 क्लास के डिप्रिसिएशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जैसे 5.3 के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो भी है, सब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे दिया निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों में dy by dx ज्ञात करें। बताइए कि इसमें x और y दोनों है ना। याद रखिए कि सिर्फ अगर ये रहे साइन एक्स रहे, इसको वाई मानते हैं। क्या मानते हैं? वाई। लेकिन इसमें देख रहे हैं ना, एक्स भी है और वाई भी है। तो जब एक्स और वाई दोनों रहता है तब तो हम लोग इसमें वाई नहीं मानते हैं, डायरेक्ट इसको हल करते हैं। ठीक है, जैसे डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बटा डी एक्स, यानी टू डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डीसी क्या होगा? कॉस एक्स। यानी टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स और एक प्लस टू है ना, हो जाएगा माइनस टू। यानी dy by dx बराबर क्या मिल जाएगा? cos x माइनस टू बाई टू। ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन y। देखो इसमें x और y दोनों दिया है, यह एक अस्पष्ट फलन है और यह एक अस्पष्ट फलन है। इसमें हम इसमें किसी को y मानते नहीं है, ऑलरेडी इसमें y दिया है। और dy by dx जहां जहां भी हो वहां से कॉमन कर लेते हैं और उसके बाद उसका मान निकाल देते हैं। dc करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2dx by dx हो जाएगा प्लस 3dy by dx हो जाएगा प्लस d sin y बटा नीचे आएगा dy अपना dy बटा dx। ठीक है, अब 2 हो जाएगा dx by dx 1 हो जाएगा प्लस 3dy by dx। और sin y का क्या होगा? cos y, और ये तो जैसा है वैसा रहेगा। अब देखिए 2 वही रहने देते हैं, cos y dy by dx और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से dy by dx कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? cos y माइनस 3 और इसको बटा में ला देंगे तो होगा 2 बटा cos y माइनस 3 बराबर dy बटा dx। यानी ये रहा हम लोगों का आंसर dy by dx का मान 2 बटा cos y माइनस 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है क्या? ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। बताइए a तो कांस्टेंट है, dx by dx हो जाएगा प्लस b dy स्क्वायर बटा dy या पुनः dy बटा dx बराबर d cos y बटा dy या गुने dy बटा dx। चलिए बताइए a dx by dx वन हो जाएगा और यहाँ b अब y स्क्वायर का पावर का गुना में आएगा, पावर में से कम तो 2y हो जाएगा। आइए तो जैसा है वैसे रहेगा बराबर cos y क्या हो जाएगा? माइनस sin y और पुनः dy बटा dx। अब देखिए क्या करते हैं, इसी को इधर आ जाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं।
तो इसको लिख सकते हैं टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस इधर आएगा प्लस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर है क्या हो जाएगा माइनस ए, ये प्लस उधर जाएगा माइनस ए। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा टू बी वाई प्लस साइन वाई बराबर क्या माइनस ए, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए बटा टू बी वाई प्लस साइन वाई, ये रहा हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, मानना तो कहीं नहीं है हम लोगों को। देखो ध्यान से, यहाँ दो फलन है एक्स वाई, दो फलन है, यहाँ दो फलनों के गुणनफल को बनाएंगे क्या, पहला का अवकलन अगुने दूसरा और प्लस दूसरा का अवकलन अगुने पहला। चलिए यहाँ तक का हो गया, अब यहाँ पहले वाई स्क्वायर का बनाएंगे, अपने वाई का बनाएंगे क्योंकि पहले वाई स्क्वायर का हो गया, वाई स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा वाई बचेगा वाई नीचे डी वाई बाई एक्स, उसी तरह यहाँ भी डी टेन एक्स का अलग और यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। चलिए डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन, वन में वाई से गुना होगा वाई, ए डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स रहेगा प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा पावर गुना में आएगा, पावर में से कम टू वाई हो जाएगा और पूरा डी वाई बटा डी एक्स, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स और पूरा डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए आप लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला है तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां भी है वहां से उसको कॉमन करना होगा एक तरफ ले जाकर, तो यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इन तीन इसको इधर ला लेते हैं, इसको उधर लेकर चले जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, और ये पहले से है सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो वाई उधर जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं क्या बचेगा बताइए एक्स, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर सौ, इस ये भी अस्पष्ट फलन है और इसका भी डीसी करें तो यहाँ पर वाई नहीं मानेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए डी एक्स स्क्वायर अब बेटा क्या होगा डी एक्स, यहाँ तो दो फलन है, पहला फलन क्या है एक्स और दूसरा फलन क्या है वाई, तो दो फलों गुणनफल भी बनेगा, पहला का अवकलन गुणे दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुणे पहला प्लस यहाँ भी वाई स्क्वायर का होगा पावर का अपना डी वाई अपना डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी सौ बटा डी एक्स होगा। चलिए बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, ये डी एक्स में डी एक्स कर देगा क्या बचेगा वाई, ये तो नहीं कटेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू वाई अपना डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है सौ, सौ का जीरो हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि प्लस में दोनों को उधर जाएंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान जो आएगा हम लोग का मान माइनस टू एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस टू वाई, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं। दिया है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर इक्यासी, ठीक है। इसमें मान निकालना है हम लोग डी वाई डी एक्स का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यू का डी एक्स क्यू बटा डी एक्स प्लस यहाँ पहला का अवकलन, आगुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन आगुने पहला होगा, मतलब इसका हो गया पहला का अवकलन कर दिए गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला। उसी तरह यहाँ भी पहला का अवकलन आगुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन अपना डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा गुने पहला, पहला क्या है जी एक्स प्लस यहाँ करेंगे डी वाई क्यू बटा डी वाई अगुने डी वाई बटा डी एक्स डी इक्यासी बटा डी एक्स हो जाएगा होगा। चलिए इसका डीसी बताइए क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर इसका टू एक्स और वाई हो जाएगा प्लस ये तो नहीं होगा यानी एक्स स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई डी एक्स कर जाएगा तो वन में वाई स्क्वायर से गुना होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा टू वाई एम एक्स है तो टू एक्स वाई लिख देते हैं टू एक्स वाई और डी वाई बटा डी एक्स, वाई की का क्या होगा जी थ्री वाई स्क्वायर होगा ना तो पुनः डी वाई वाई डी एक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर जीरो। चलिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा वो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा प्लस टू एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा थ्री वाई स्क्वायर बराबर। अब इसको इसको और इसको उधर ले जाते हैं तीनों प्लस में तो तीनों जाएगा उधर माइनस हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको एक स्क्वायर तीनों माइनस में जाना चाहिए तो माइनस में है यहाँ पर माइनस से क्या करेंगे गुना कर देंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा हम लोग को माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये रहा हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर छ का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात दिया है क्या साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए डीसी करते हैं लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी पहले स्क्वायर का होगा तो डी साइन स्क्वायर वाई अब नीचे का डी साइन वाई होगा क्योंकि पहले स्क्वायर का हो गया, अब साइन का होगा डी साइन वाई बटा साइन हटेगा तो क्या बचेगा वाई का, अब वाई का करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, उसी तरह यहां भी करेंगे d cos एक्स वाई बटा नीचे आएगा क्या एक्स वाई और उसके बाद पुनः एक्स वाई का करेंगे बटा डी एक्स बराबर d पाई बटा डी एक्स ठीक है। चलिए यहां देखते हैं पावर क्या होता है, पावर गुना में आएगा ये टू साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई का क्या होगा cos वाई अपना वाई का क्या होगा dy बटा dx cos y क्या होगा जी माइनस साइन वाई तो माइनस साइन एक्स वाई। और यहाँ देख लीजिए दो को फलन है एक्स और वाई, पहला का अवकलन गुने दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन गुने पहला, पहला क्या है एक्स बराबर एक कॉन्स्टेंट का डीसी हो जाएगा जीरो यानी इसको लिख सकते हैं क्या बताओ साइन टू वाई टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स होता है साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब इसमें गुना करते हैं डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा वन में वाई से गुना होगा वाई और वाई में एक्स में गुना करते माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस प्लस माइनस और एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा जी साइन टू वाई और माइनस एक्स साइन एक्स वाई होगा ना,
और ये जो है माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, प्लस, माइनस में था तो प्लस में लिख दिया वाई साइन एक्स वाई, यानी यहाँ हम लोग का फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर आठ दिया है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिया है, वन। ठीक है, ये बहुत ही बीबी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या दिया है, वन। यहाँ जब डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी साइन स्क्वायर एक्स बटा नीचे आएगा क्या डी साइन एक्स अपना डी साइन एक्स बटा डी एक्स, उसी तरह यहाँ भी डी कॉस, अब यहाँ कहेंगे डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा इसलिए छोड़ दिए उसको, यहाँ कॉस स्क्वायर वाई बटा नीचे आएगा डी कॉस वाई अपना डी कॉस वाई बटा डी वाई अपना डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वन बटा डी एक्स। देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखे लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, इसलिए आप छोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आया था इसलिए वहां लिख दिए। अब पावर, पावर क्या होगा, पावर कितना आएगा, ये टू साइन एक्स और साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, पावर टू कॉस वाई और कॉस वाई का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन कितने हैं माइनस साइन वाई अपना डी वाई बाई डी एक्स बराबर है क्या होगा, वन का डीसी जीरो। चलिए यहाँ बताइए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, और टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई साइन टू वाई यानी साइन टू वाई डी वाई बाई, तो यहाँ देख लो टू कॉस एक वाई इंटू साइन वाई साइन टू वाई हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा प्लस, और यहाँ से गुना में इधर आएगा बटा में तो यानी साइन टू एक्स बटा साइन टू वाई, ये हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक अगर हमारे वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।